हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है और टैली प्राइम में देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे कंपनियों में माइग्रेशन रिक्वायर्ड दिखा रहा है। यहाँ पर भी देखिए माइग्रेशन रिक्वायर्ड, यहाँ पर देखिए माइग्रेशन रिक्वायर्ड, तो ऐसे कई कंपनियों में माइग्रेशन दिखा रहा है। यानी पुराने वर्जन में इसे हमने बनाया था, अब नए वर्जन में जबकि हम आ चुके हैं तो इसका माइग्रेशन हमें करना होगा। तो ये माइग्रेशन कैसे संभव होगा? तो माइग्रेशन करने के लिए आपको बहुत नहीं करना, आपको जिस कंपनी का माइग्रेशन करना, जैसे मान लीजिए ये जो कंपनी है 123@, इसी का माइग्रेशन हम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको जाना है, उस कंपनी पे चले जाइए और वहां पर जाकर के एंटर प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये कह रहा है बैकअप कंपनी डाटा बिफोर माइग्रेशन। माइग्रेशन के पहले बैकअप ले लेना बहुत जरूरी है, आप बैकअप ले लीजिए। लेकिन इन केस आप नहीं भी चाहते हैं बैकअप लेना तो यहाँ पर जाकर के नो प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमको बैकअप लेना है और सी ड्राइव में ही लेना है। अगर आपको ड्राइव चेंज करना है तो आप यहां से जाकर के, और यहां से ड्राइव भी चेंज कर सकते हैं, यहां पे डेटा बैकअप यस है और यहां से एंटर करके नीचे आइएगा। यहां पर जैसे ही एंटर करिएगा सी ड्राइव पे जाके, तो यहां पर आपको दिखाएगा कि आपको कौन से इस पे जाना है, ठीक है, कौन से ड्राइव में करना है। तो यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए सी ड्राइव, ई ड्राइव, जी ड्राइव, तो जिस भी ड्राइव में आपको जाना हो, जैसे मान लीजिए मैं अगर जी ड्राइव में जाना चाहता हूँ तो ये जी पे क्लिक कर दिया है मैंने, और जी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक फोल्डर है, तो किसी भी फोल्डर में जैसे पाइथन वीडियो दिया गया है तो इसी फोल्डर में जाना है हमें और एंटर प्रेस करना है, और एंटर प्रेस करके कंट्रोल ए कर देना है। जैसे ही कंट्रोल ए करेंगे तो यहाँ पूछेगा माइग्रेशन, तो आर प्रेस कर दीजिए, ये माइग्रेट हो जाएगी कंपनी 123@ जो कंपनी थी वो हो गई माइग्रेट। अब इसको आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो दो बार डी प्रेस करके दिखाता हूं इसमें बने हुए हैं, तो आसानी के साथ कंपनी को माइग्रेट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसी दिक्कत आपके साथ आ सकती है कि माइग्रेट करते वक्त डेटा लॉस हो जाए या पूरा का पूरा डेटा ही डिलीट हो जाए, तो ऐसे में आपको बैकअप रख लेना बहुत जरूरी होता है, बैकअप जरूर रख लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।